बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरी YouTube फैमिली सारी की सारी ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जी, यहाँ पे सुबह मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका हुआ है और मॉर्निंग का आगाज़ हुआ है तो जनाब मॉर्निंग का काम स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पे मैं कर रही थी कपड़े प्रेस अपने हस्बैंड के, उनके उन्होंने ऑफिस जाना था तो उसके लिए मैं उनके कपड़े प्रेस कर रही थी। और ये जो है ना शाम का टाइम था और शाम में हमने थोड़ी सी टी पार्टी की जिसमें चाय थी और साथ में केक, और फिर जो है ना मैंने मशीन लगाई हुई थी तो उसके जो है मैं कपड़े अब समेटने लगी थी और ये हो गए गायब अलमारियों में। शाम का टाइम था और मौसम इतना खुशगवार हुआ हुआ था कि हमने सोचा चलो छत पर जाते हैं और थोड़ा सा मौसम को जो है वो इन्जॉय करते हैं और बच्चे भी थोड़ा सा खुश हो जाएंगे और थोड़ा खेल लेंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह मेरे तीनों बच्चे जो थे वो आपस में खेल रहे थे और एक दूसरे के साथ मज़ा कर रहे थे और मैं उनको बैठी जो है वो शूट कर रही थी। तो जो है फिर मैं नीचे आ गई, वो ऊपर खेल रहे थे तो मैंने थोड़ा सा अपनी जो है स्किन को फ्रेश करने के लिए, काफ़ी डल हो रही थी तो मैंने सोचा इसकी चलें थोड़ी सी जो है ना मांजा कर लिया जाए, इसको भी चमका लिया जाए, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और जो है मैं यहाँ पे स्किन पॉलिश करने लगी थी तो मैंने आपके साथ भी इसको शेयर करना बेहतर समझा कि चलें आपको भी जो है एक अच्छी प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन पर्ल की स्किन पॉलिश जो कि अर्जेंट स्किन पॉलिश होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हैं और काफ़ी इकोनॉमिकल भी होती है। तकरीबन 100 से लेके 150 तक की रेंज में ये मिल जाती है एरियाज़ के हिसाब से, यानी कि ना इसका 20 रुपये या 10 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन 100 से लेके ना 150 तक की ये रेंज में आ जाती है। और पॉलर्स में अगर आप जाएँ ना तो वहाँ पे 1000 रुपया ले लेते हैं सिर्फ इसे स्किन पॉलिश का, तो जिसको आप घर में 150 के अंदर 3 मरतबा कर सकते हैं, एक मरतबा भी नहीं, इसको आप 3 मरतबा फेस और नेक पर कर सकते हैं। सबसे पहले इसका ये क्लिनज़र होता है और फिर उसके बाद ये पाउडर ब्लीच पाउडर होता है और तीसरे नंबर पे जो है ना ब्लीच पाउडर के साथ इसका मिलता है वॉल्यूम 20 वॉल्यूम। और इसके पीछे इसके सारे जो है ना वो यूज़ करने का तरीका और कितने मिनट इसको अप्लाई करना है कि किस एरिया पे मतलब अप्लाई करें तो मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो इसकी डिटेल है वो सारी इसके पीछे मेंशन की गई थी। और जो है ना इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर यूज़ होते हैं वो सारे इसके अंदर मेंशन किए होते हैं ऑलरेडी। और उसके साथ जो है ना ये सूथिंग लोशन होता है, सूथिंग लोशन भी जो है ना ब्लीच पाउडर और वॉल्यूम के साथ ऐड करना होता है। शाइनर होता है, शाइनर ये चारों चीज़ें जो होती है ना, शाइनर हो गया है, सूथिंग लोशन हो गया, ब्लीच पाउडर और वॉल्यूम, तीनों को मिक्स करना होता है चारों को, और बाद में मास्क यूज़ करना होता है। ये मैं अब खाना बनाने लगी थी रात का, उसमें मैं आलू और शिमला मिर्च बना रही थी तो जो है इसको मैं अभी इसकी कटिंग करने लगी थी। और जी मेरा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, इसकी कटिंग और पकाने की जो रेसिपी है वो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।